हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ भारती। और हम अपने घर में ना प्लांट्स लगाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे और महंगे महंगे जो पॉट्स होते हैं ना, वो लेकर आते हैं। तो मैं भी लाती हूँ, सब लोग लाते हैं और लाने भी चाहिए, क्योंकि हम बाकी खर्चे करते हैं तो इससे हमें परहेज नहीं करना चाहिए। तो ये भी हमारे घर की एक सजावट का ही हिस्सा होते हैं। जिस तरह से हम अपने घर में इंटीरियर के लिए बहुत अच्छे अच्छे कर्टेन, फर्नीचर या फिर घर को बनाने में हम बहुत ज़्यादा खर्चा कर देते हैं, लेकिन ये 200-400 की हम कंजूसी करके जो है हम इनके साथ नाइंसाफ़ी करते हैं। तो अच्छे अच्छे पॉट्स लाने चाहिए, और अच्छे अच्छे पॉट्स लाने के साथ साथ हमारे घर से जितना भी गार्बेज में प्लास्टिक निकलता है, कचरे में या कुछ और चीज़ें निकलती हैं, जैसे कि आयरन की भी होती है या किसी और मटेरियल की भी होती हैं, तो उनको हमें गार्डनिंग में यूज़ कर लेना चाहिए। तो महंगे महंगे पॉट्स के साथ या फिर खरीदे के पॉट्स के साथ साथ वो जो हमारा रिसाइकलिंग का काम होता है ना, उसको भी हमें कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर उसको भी हमें अडॉप्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं ये पॉट जो है 60 में लेकर आई थी, तो काफ़ी सारे इसमें मैंने प्लांट्स मिक्स एंड मैच करके लगाए हैं, और जो देखने में भी अच्छे लग रहे हैं और एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है इनको देख के। तो आज मैं आपको अपने कुछ ऐसे प्लांटर्स दिखाने वाली हूँ जो मैंने घर से ही लिए हैं या इधर उधर से अरेंज किए हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दही के कंटेनर, जो कि मेरे पास बहुत ज़्यादा है। तो दही के कंटेनर जो है, यहाँ पर दही बहुत रेयर मिलता है, कभी कभी ही मिलता है, तो हमें जब भी मिलता है तो ऐसे कंटेनर में मिलता है। तो मैं इन कंटेनर को फेंकती नहीं हूँ, तो इस तरह से मैं इनको यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने काफ़ी सारे ये जो वाइट कलर के हैं, ये मैंने सारे दही के ही यूज़ किए हैं। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये मैंने बाय किए हैं। जैसे हम किसी बेकरी पे जाते हैं तो वहाँ पर हमें इस तरह के कंटेनर में काफ़ी चीज़ें जो है खाने वाली मिलती है, उनको भी फेंकना नहीं चाहिए। ये तो चलो मैंने खरीदे ही है 5-5 रुपये में, उनको भी हमें फेंकना नहीं चाहिए। वैसे तो हम किचन में या कहीं और यूज़ कर लेते हैं, तो गार्डनिंग भी एक अच्छी ऑप्शन है, इसमें हम प्लांटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये कितना खूबसूरत पौधा है, और इसको भी मैंने दही के इस तरह के कंटेनर में लगाया है। ज़रूरी नहीं इसको पेंट ही करना है, आप ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई पौधा ऐसा लगा सकते हैं जो कि पॉट को कवर कर ले कंटेनर को। अगर ऐसे भी लगा रहेगा तो ये भी एक अच्छी आइडिया है लोगों को इंस्पायर करने के लिए, कि हमने दही के कंटेनर को सुंदर सुंदर पौधे लगाने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह के हैंगिंग प्लांट्स जो होते हैं, आप वो लगा के इनको छुपा भी सकते हो। अभी तो ये प्लांट जो है काफ़ी छोटा है, तो यहाँ पर देखिए कुछ ये है जो कि प्लांट पे अटैक कर सकता है, तो इसको निकालना चाहिए अभी, तो बाद में मैं निकाल लूँगी। तो इसको देखिए, मैंने यहाँ पर इस तरह से यूज़ किया हुआ है। तो ये देखिए, ये भी दही का ही कंटेनर है यहाँ पर, और इसमें मैंने कितने सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं। और ये है वो जिसमें हमारे ऑयल वगैरह होते हैं, तो इसमें था हमारे जो ऑलिव ऑयल है, ऑलिव ऑयल में देखिए मैंने ये सारी बॉटल जो है इसको इस तरह से कट किया, हस्बैंड ने कट किया था। इसमें हमने काफ़ी सारे प्लांट्स जो है लगाए हुए हैं, देखने में जो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो इसको मैंने प्लेन रखा है, कोई कलर नहीं किया है, क्योंकि ये जो इसका एक्चुअल में वाइट कलर है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे भी ऑयल की कैन है, इसके भी मैंने दो हिस्से किए हैं, और इसमें मैंने लगाई है ये बॉलीविन जीव, और भी एक दो प्लांट इसमें लगे हुए हैं। तो ये जो आप पीछे देख रहे हो, ये भी इसी का दूसरा पार्ट है, इसमें भी काफ़ी सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये भी दही का है, और इसमें कितना अच्छा ये अच्छे से प्लांट्स जो है चल रहे हैं। तो ये तो मैंने खरीदा था, और यहाँ पर भी एक ये दही का ही कंटेनर है, इसमें भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। और ये है एक इंजन ऑयल की बॉटल, इसमें मैंने घोस्ट प्लांट लगाए हुए हैं, यहाँ पर है कंटेनर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसमें हम गार्डनिंग कर सकते हैं। यहाँ पर ये एक अलग मटेरियल है जो कि यहाँ पर डिफेंस में यूज़ होता है, कुछ बॉम्ब्स वगैरह इसमें आते हैं, जब मुझे कुछ ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो इनको भी हमने इस तरह से यूज़ किया है, तो देख सकते हैं प्लांट्स कितने अच्छे से इसमें चल रहे हैं और खुश हैं। तो आप इसको पेंट वगैरह कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको एज इट इज़ यूज़ किया है। और यहाँ पर देखिए, दही के कंटेनर छोटे छोटे, और ये देखिए बॉटल्स थी, इनको मैंने यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पर इस तरह से ये पनीर के कंटेनर आते हैं आयरन के, इसमें भी मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स जो हैं इस तरह से लगा के रखे हैं, और आगे भी मैंने लगाने हैं, तो काफ़ी सारे ये मेरे पास जमा हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये छोटी सी बॉटल है, इसमें भी मैंने दो पार्ट करके इसके इसमें प्लांट्स लगाए हैं। और देखिए, छोटा सा ढक्कन है, तो
ये भी वेस्ट हो चुका था, टूट गया था, तो मैंने इसमें देखिए थोड़ी सी मिट्टी है इसमें और प्लांट लगाया हुआ है और काफ़ी अच्छे से चल भी रहा है। उसके बाद देखिए ये एक अमूल जो बटर होता है उसके छोटी छोटी सी इस तरह से कंटेनर आती है, तो विद ढक्कन मैंने इसको यूज़ किया हुआ है क्योंकि जब हम पानी देते हैं प्लांटर्स में तो वो नीचे से ड्रेन आउट होता है, तो इस तरह से ये एक पैलेट का भी काम कर रहा है तो पानी इसमें जमा हो जाएगा। तो ये भी कुछ फूड ऑर्डर किया था मैंने, हमने उसकी जो कंटेनर होती है ये काफ़ी पुरानी है, तो वैसे भी ब्लैक कलर है, देखने में जो ब्लैक कलर है गार्डन में काफ़ी अच्छा लगता है पर्सनली मुझे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वॉलनट होते हैं उसकी जो शेल निकलती है उसको भी मैंने फेंका नहीं है, इसमें प्लांट लगाए हुए हैं तो आप देख सकते हैं कि प्लांट अच्छे से चल भी रहे हैं। इसमें देखिए थोड़ी सी मिट्टी मैंने इसमें यूज़ की है और नीचे कोई होल भी नहीं है, तो इस तरह से मैंने इनको रीयूज़ किया हुआ है। तो ये भी मिल्क की बॉटल्स होती है, यहाँ पे वाइट कलर की मिलती हैं और इसमें मैंने हल्का सा पेंट करके इस तरह से मैंने इनमें पॉर्चुलाक लगाई हुई है। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये आयरन के डब्बे होते हैं, यहाँ पर वेस्ट कई बार मिल जाते हैं, तो इसमें मैंने काफ़ी सारी कटिंग्स लगाई हुई हैं जो कि बहुत अच्छी सी चल रही हैं। और ये एक खाली डिब्बा था जो बाथरूम में यूज़ करने के लिए है, लेकिन ये टूट गया था गिर के, तो इसमें मैंने कुछ इस तरह से प्लांट्स जो है लगा दिए, तो ये भी अच्छे से चल रहे हैं, तो मैंने इसका रीयूज़ किया फेंकने के बजाय। तो सबसे अच्छा यूज़ मुझे ये लगा, आप देख सकते हैं बॉटल्स में मैंने कितने सारे प्लांट्स लगाए हैं, और ये जो प्लांट्स हैं ये कॉमन प्लांट्स नहीं है, ये सकुलेंट प्लांट हैं जो कि ईजिली ग्रो हो भी जाते हैं कुछ और नहीं भी होते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कितने अच्छे से चल रहे हैं, और इसमें मैंने दो लो करके कुछ प्लांट्स भी लगाए हुए हैं, तो इतनी सी मिट्टी में देखिए कितने अच्छे से चल रहे हैं। तो इस तरह से जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स हैं वो भी मैं फेंकती नहीं हूँ, तो उनका रीयूज़ इस तरह से करती हूँ। तो ये देखिए एक हम रसमलाई लेकर आए थे, ये कुछ कुल्हड़ जैसे होते हैं ना, कुल्हड़ में कुछ मिठाई या कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं, चाय पीते हैं हम जो कुल्हड़ में, तो ये देखिए इसमें मैंने कुछ भी प्लांट्स काफ़ी सारे लगाए थे, लेकिन ये छोटा सा प्लांटर है तो इधर उधर गिर के इसमें से काफ़ी सारे प्लांट्स मुझे फिर निकालने पड़े, तो मैंने कुछ ही प्लांट्स इसमें छोड़े हैं जो कि रह गए, तो यही इसमें अच्छे से चल रहे हैं। तो ये छोटा सा है एक कुल्हड़ जिसमें रस मलाई थी, तो अभी इसमें थोड़ी सी फंगस लगी हुई है क्योंकि ये क्ले का पॉट था, तो अभी मैंने इसको कुछ भी पेंट वगैरह नहीं किया है क्योंकि अभी बारिश का मौसम है यहाँ पर और करने का पेंट कोई भी फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पर देखिए ये कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, इसमें मैंने जो ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है वो लगाए हैं, और ये जो जूस की बॉटल आती है इसमें देखिए मैंने ये सीटम की वैरायटी लगाई थी, तो ये मैंने पहले बाहर को कर दिए थे, तो बाहर पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम हुई, शायद धूप कभी कभी जो निकलती है या क्या है, तो शायद ये खुली हवा में ज़्यादा अच्छे से चलती नहीं है, तो बैल्कनी में ये बहुत अच्छे से चलते हैं, तो यहाँ पर थोड़े से ये कलर इनका डिसकलर हो गया था, तो अभी ये अच्छे से चल रहे हैं, कलर इनका ग्रीन निकल आया है जब से मैंने इनको अंदर की तरफ किया है। तो ये देखिए छोटी सी बॉटल है, इसमें मैंने एक सकुलेंट प्लांट लगाया हुआ है, और बॉटल्स तो हम लगा ही लेते हैं, और ये जो थैलियाँ होती हैं हमारी किचन से सॉलिड वाली निकलती हैं अच्छी वाली, उसको भी हम गार्डन में यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें मैंने मिट्टी भर के ये कुछ एक सकुलेंट्स लगाए हुए हैं, तो ये एक शायद ये वैरायटी अभी मैं इसका नाम भूल गई हूँ, तो ये भी अच्छे से इसमें चल रहा है। तो बारिश काफ़ी अच्छी हो रही है और इनको पानी इसी तरह से मिलता रहता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम गार्डनिंग जो है घर में कर सकते हैं, सुंदर सुंदर प्लांटर्स ला सकते हैं और घर में ही निकले हुए जो इस तरह के कंटेनर होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो विम की लिक्विड जो होता है उसकी बॉटल भी मैंने फेंकी नहीं है, और इसको हैंग करने के लिए मैंने ये जो हमारे घर में कुछ पैकिंग का सामान आता है तो वो भी मैं चीज़ें जो है इस तरह से फेंकती नहीं हूँ, तो ये एग वगैरह की ट्रे हम लेकर आते तो उसको इससे बांधा गया होता है, तो इस तरह से हम घर में से ही जो वेस्ट चीज़ें हम फेंक देते हैं उनको रीयूज़ करके गार्डनिंग स्टार्ट कर सकते हैं या गार्डनिंग का हिस्सा बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक हैंगिंग प्लांट बनाया हुआ है, ये भी पतीसे वाली जो कंटेनर होती है उसमें मैंने मिट्टी डाल के कुछ कटिंग्स इसकी लगाई थी टर्टल वाइन की, और ये जो आप छोटी सी एक देख रहे हो ये वेस्ट है, ये भी इसको भी मैंने पेंट करके इस तरह से रोप के साथ टाई किया करके यहाँ पर हैंग किया है। तो इस तरह से मैंने कुछ अपनी गार्डनिंग में चीज़ों को रीयूज़ किया है। तो आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक करना, फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।